यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कांगड़ा के नूरपुर में कॉलेज में पड़े खाली पदों को भरने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। इसके चलते उन्हें रैहान सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक की गंभीर हालत को देखते हुए नूरपुर रेफर कर दिया गया। कॉलेज में करीबन 3000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में मात्र 15 ही शिक्षक हैं, जबकि नियमानुसार शिक्षकों की जरूरत है। इसके चलते ये छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नूरपुर अस्पताल में दाखिल एनएसयूआई के सचिव मदन कुमार ने बताया कि वो अपने अन्य तीन छात्रों के साथ वीरवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। छात्रों का आरोप है कि छात्र संगठन की आवाज आज तक प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच रही है। छात्रों ने फतेहपुर एसडीएम पर जबरदस्ती धमकाने और अनशन तुड़वाने के आरोप लगाए। मैं तुरंत मेरे को मेरे भाई हैं जो एबीपी और एनएसए के जो भी हैं वो सब मेरे को हॉस्पिटल लेके गए रहे। वहाँ पे मेरे जो मेरे साथ साथी बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे, वो भी तुरंत वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पे फतेहपुर का एसडीएम आया, उसने मतलब उन छात्रों को धमकाया और ज़बरदस्ती उनसे एप्लीकेशन लगवाई कि हम अनशन तोड़ रहे हैं और उनको 309 की धारा लगवाने का मतलब। देरी में पिछले कुछ समय से छात्र संगठन एबीपी और एनएसए अपनी मांगों को लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे थे। और उससे पहले भी मुख्यमंत्री जी को और सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री जी को भी हमें ज्ञापन दे के बताया गया था हमारी तरफ से कि छात्रों के हितों के ध्यान में रखते हुए अब यहाँ जो 20 से ऊपर रिक्त पद बढ़े हैं शिक्षकों ने जल्द से जल्द भरा।